नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैजिकल रेमेडीज सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा वीडियो नीच राशि में स्थित सूर्य ग्रह पर आधारित है। आप में से बहुत से लोगों का मैसेज आया, और भी लोग जो मेरे फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबका ये फोकस था कि उनको रेमेडीज के बारे में बताया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, रेमेडीज कुंडली पे ही बेस्ट होता है, आपके लिए पर्सनलाइज्ड होता है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे मेडिकल रेमेडीज लाए हैं जिसको कोई भी कर सकता है यदि यह कंडीशन उसकी कुंडली में फुलफिल हो तो। इस रेमेडी से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको बेनिफिट होगा। ये हो सकता है कि यदि ये सिचुएशन आपकी कुंडली में प्रॉब्लमेटिक ना हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे 7 नंबर राशि में सूर्य नीच का होता है, और बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है कि नीच राशि में स्थित सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देता, जबकि ऐसा बात नहीं है। रिजल्ट देना ग्रह के नक्षत्र, उप नक्षत्र और कई सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है। अभी वो प्रेडिक्टिव पार्ट पे हम नहीं जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है और आपके समस्याओं का कारण नीच राशि का सूर्य है, तो इस मेजिकल रेमेडीज को कीजिए और डिफरेंस को फील कीजिए। या फिर मैं एक बार आपको बता दूं, ये आपको लगता है कि नीच राशि का सूर्य आपके प्रॉब्लम का रीजन है, जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी इस रेमेडी को करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपके जानने वाले भी कोई है उनको भी आप बता सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मेडिकल रेमेडी पहुंचेगी और सब लोग लाभ उठाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो रेमेडी करना है, लाल रंग का, रेड कलर का या मैरून कलर का अंडरवेयर आपको नहीं पहनना है। दूसरा आपको जो करना है, सूर्य ग्रह के बीज मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना है। तीसरा रेमेडी जो आप कर सकते हैं, संडे के दिन लाल या भूरे रंग की गाय को गेहूं, गुड़, दोनों हो सकता है या दोनों में कोई एक हो सकता है, आप खिला सकते हैं तो आप खिलाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे जबरदस्त उपाय देखिए, 23 इस नंबर को ब्लू पेन से आपको अपने लेफ्ट हैंड में, यहाँ इस कलाई पे या इधर आप कहीं भी लिख सकते हैं, प्रतिदिन लिखना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये चारों रेमेडीज को करें और डिफरेंस को फील करें। इसके पहले मैंने अंगारक दोष, मंगल और राहु की युति के कारण जो बनता है, उसका भी रेमेडियल सेक्शन वाला वीडियो डाला हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी देखें। और मेरे यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से, केपी एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रो वास्तु, वास्तु सबसे रिलेटेड 250 से ऊपर वीडियोज हैं, आप उन्हें देखिए और शेयर कीजिए। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।